हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साजिश शाहिद और मेरा नाम है शिल्पा। सो फाइनली आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई आप लोगों की शादी कैसे हुई, पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस किया, तो वी थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज व्लॉग एंड वी गोना शेयर आवर जर्नी विद यू गाइस। सो बात ऐसी है, हम पिछले ब्लॉग में आपको बता चुके थे कि हम 2011 में मिले थे। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, वी लाइक ईच अदर। बहुत सालों तक हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, वी वर इन अ ग्रुप एंड देन वी स्टार्टेड डेटिंग। डेट करते हुए तो आप इतना नहीं सोचते हो कि आगे क्या करना चाहिए, बट जब कॉलेज ख़त्म हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया और हमने सोचा अब क्या, मतलब ओके अब हमको शादी करनी है। इट वॉज 2015 and I was what 24, he was 25 and अब क्या करें। So we have already decided कि भाई हमको शादी तो करनी है, but क्या वे आउट है, क्या प्लान है उसके लिए, पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से शादी होगी, ये सब चीज़ें हमने नहीं सोची थी। सो फाइनली देन वेन द कॉलेज वॉज ओवर, तो अब टाइम आ गया था, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ वॉज देयर एंड कुछ दिन तक तो वी वर ब्लैंक कि भाई एक्चुअली या कि कैसे किया जाए, क्या हो और किस तरीके से चीज़ें इनिशिएट की जाएँ। तो फाइनली 2015 में वी डिसाइडेड कि भाई अब घर पे बात की जाएगी। सो फाइनली मैंने अपने घर पे बात की, तो मैं शिल्पा से शादी करना चाहता हूँ। तो पहले थोड़ी देर सारे घर वाले साइलेंट कि भाई क्या जवाब दिया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो थी इसके लिए वॉज दी एग्जीक्यूशन, हाउ दिस मैरिज विल टेक प्लेस और चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, बिकॉज सिंस वी बोथ कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस एंड स्मॉल टाउन एंड सिटीज़, तो सबसे मुश्किल यही था कि भाई चलो ठीक है तुम दोनों, बिकॉज वी आर एजुकेटेड पीपल, शिल्पा फैमिली भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, मेरी फैमिली भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, बट द मेन प्रॉब्लम वॉज दी एग्जीक्यूशन मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि भाई एग्जीक्यूशन एंड एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल था इस चीज़ का। बिकॉज एक तो होता है कि हमें अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था, दूसरी चीज़ ये थी पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि ठीक है कर लें, बट वो चार लोग क्या कहेंगे, हम क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे, वो वाला एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड ठीक है उनका डर भी अपनी जगह जायज़ होता है, बट आर थिंग वॉज मेरा बस मनाने का ये पॉइंट था कि यार एक बार मिल लो, और साजिद का भी यही था कि मिल के बात करते हैं। सो यू से योर साइड फर्स्ट देन आई विल से माय साइड। सो फाइनली मैंने घर पे बता दिया, मुझे कुछ खास जवाब मिला नहीं शादी को लेके। सो फाइनली अब शिल्पा का टाइम था कि वो अपने घर पे बताए, तो शिल्पा ने अपने घर पे जाके मैंने जाके बात की, अपनी मामा पापा को बताया एंड सीधा सीधा जवाब था कोई ज़रूरत नहीं, नो पैक योर बैग्स एंड कम बैक होम, ये शादी नहीं हो सकती, जिंदगी भर शादी मत करना, बट हम ये वाली शादी तो नहीं कराएंगे। सो मैं कहा ठीक है, मैंने साजिद को फ़ोन पे बताया तो ऑब्वियसली ही वॉज ऑल्सो सैड एंड ऑल। सो वॉट वी डिसाइडेड वॉज कि ये इस तरीके से वर्कआउट नहीं करेगा, एक एक साइड करके चलते हैं, जैसे टू स्टेट्स मूवी में था ना, मतलब हमने उससे इंस्पिरेशन नहीं ली थी, पर लाइक पहले एक साइड करके चलते हैं। सो वी वर लाइक कि पहले साजिद की साइड को बनाते हैं। सो हाउ इट हैपेंड, तो फाइनली सबसे पहले मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया कि भाई कैसे है कि आप मेरे को शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है, और मैं आप लोगों की मर्जी के बिना शादी करने वाला नहीं हूँ, ये आप क्लियरली सोच लो, आपको आज करानी है, कल करानी है, परसों करानी है, दो साल या दस साल बाद जब भी करानी है इसी लड़की से करानी है। अब आपको मानना है, आज मानना है, दस साल बाद मानना है, आप डिसाइड करो, या नहीं भी मानना है तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड एवर इन लाइफ। तो 5-7 दिन लगे, 10 दिन लगे, फिर देवर लाइक अच्छा ठीक है चलो हम एक बार को मान भी जाते हैं, तो क्या शिल्पा के पेरेंट्स एग्री करेंगे इस चीज़ के लिए। मैंने तो उस टाइम साजिद ने कह दिया हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, तो मैंने उस टाइम एक्साइटमेंट में बोल दिया हाँ लीव इट ऑन मी, वो हम लोग देख लेंगे, पहले आप हाँ करो। तो मैंने कहा ठीक है हम हाँ तो कर देंगे, बट हाउ इट विल हैपन भाई, कैसे होगी, मतलब क्या होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत आर डिफरेंट रिलीजन, हमारे यहाँ चीज़ें अलग होती हैं, उनके यहाँ चीज़ें अलग होती हैं, और मान लो तुमने शादी कर भी ली तो हम लोग कैसे मिलेंगे, हम लोगों का एक दूसरे से बातचीत करना, आना जाना कैसे होगा। मैंने कहा ये सारी चीज़ें करो साइड, अभी आप सिर्फ इतना बताओ कि आप शादी कराओगे कि नहीं, तो घर वालों का ठीक है अगर तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो तो भाई हम करा देंगे। एंड देन यू रिमेम्बर यू हैड कॉल्ड मी कि मेरे घर आ जा, मम्मी पापा को मिल रहा है, एंड रिमेम्बर कि मैं इसके घर आई थी इससे मिलने, इसके नाना भी थे, नानी भी थी और सब बैठे, बेटा हाँ श्योर हो करोगे आप,
कहा हाँ मेरे को तो करने एंड व्हाट वाज आई लाइक 23-24 हाँ हाँ एंड साजिद के पापा वाज लाइक तो आई पेरेंट्स मान जाएंगे मैं कहा हाँ हाँ मान जाएंगे आप तो मान बेसिकली माय नानू वाज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन सो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि तुम तेरे को क्या करना है कैसे करना है तो फाइनली उन्होंने शिल्पा को बुलाया एंड अकेले में इससे कुछ बात की तो देन आई आस्क्ड शिल्पा कि क्या पूछा ना ने तो उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ तुम्हारा एक जवाब चाहिए शिल्पा डू यू रियली वांट टू गेट मैरिड टू साजिद तो मैंने कहा हाँ तो ही डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन अगेन देन कहा ठीक है आप जाओ और हो गया तो दैट वाज साइड से तो आई थिंक हाँ होगी उस टाइम तक हाँ हो गई थी बट दिस इज नॉट इट दिस इज नॉट इट मतलब बहुत कुछ है अभी आगे सो फाइनली अप टाउन था कि शिल्पा के पेरेंट्स को कैसे मतलब मनाया जाए तो मैंने शिल्पा को बोला कि भाई अब करो अब तो देखो तुम्हारी बारी है तो इसने भी उस टाइम तो बहुत मजे में हाँ अब बारी थी इसकी ये कैसे मनाया जाए अब इसके पेरेंट्स मतलब बात करने को राजी नहीं मिलने को राजी नहीं उनका सीधा कि नहीं भाई नहीं नहीं मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल आई रिमेंबर मैंने कॉल मैं दिल्ली में ही रहती थी मेरा घर बरेली में मैंने कॉल पे बात की कई बार समझाने की कोशिश की कि मिल लो फिर मैंने कहा साजिद मैं घर जा रही हूँ एक दो महीने के लिए और मैं घर जाके रहती हूँ वहाँ जाके बात करती हूँ समझाने की कोशिश करती हूँ सो आई पैक माई बैग्स एंड आई वेंट होम या सो ये एक ऐसा पीरियड था हम मेरी और शिल्पा की लाइफ का कि जहाँ पे हम अलग भी हो सकते थे हमारा रिलेशन यू नो कुड हैव बीन या वी कुड हैव सेपरेटेड या वी कुड हैव सेपरेटेड एट दैट टाइम बिकॉज शिल्पा को जब यहाँ से बात नहीं बन रही थी दिल्ली से तो उसको घर जाना पड़ा बरेली जाना पड़ा पेरेंट्स से बात करने के लिए एंड वो शायद 2-3 महीने का पीरियड था तो उसमें क्या था हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आने लग गए थे तो कई बार शिल्पा मुझे बिकॉज ही वांटेड एन आंसर कि क्या हुआ तूने बात नहीं की मैं कहा मैंने की बट कोई मुझे जवाब ही नहीं मिलता लाइक ऐसे कैसे कोई जवाब नहीं मिलता तेरे मम्मी पापा तेरे कानों से तेरी बातें सुनते हैं और फिर कोई जवाब नहीं देते मैं कहती हाँ कोई जवाब नहीं देते मैं रोज़ बात करती हूँ कोई जवाब नहीं देते रोज़ बात करती हूँ कुछ नहीं बोलते तो हमारी काफ़ी लड़ाई होने लगी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार तू टाल रही है यहाँ मेरे पेरेंट्स पूछ रहे हैं मैंने बता दिया एंड हमारे लिए शुरू से क्लियर था ना साजिद कि हमको शादी यंग एज में ही करनी है तो एक चीज़ हमने डिसाइड करके रखी थी कि हम लोग बिना पेरेंट्स के कंसेंट के शादी नहीं करेंगे ये शिल्पा भी इस चीज़ पे पक्की थी और मैं भी इस चीज़ पे पक्का था तो वो गाइस वो एक ऐसा टाइम था ना हम दोनों के रिलेशन में दैट वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ आर लाइफ जिसमें ना शिल्पा मेरे पास थी ना मैं इसके पास था और दोनों को अपना अपना स्ट्रगल अलग अलग करना था तो समटाइम्स देर वॉज वेरी यू नो डिप्रेसिंग टाइम इन माई लाइफ सी यूज टू कॉल और मैं इसके फ़ोन भी नहीं लेता था बिकॉज बार बार तुम एक ही बात नहीं कर सकते थे मैं उससे पूछता था कि क्या हुआ और इसके पास कोई आंसर नहीं होता था कि वही मैंने बात की एंड दे आर नॉट रेडी टू टॉक तो कई बार ऐसा होता था कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता था 4-5 घंटे तक और कभी ड्राइव पे निकल जाता था इधर उधर तो वो बहुत ही अजीब सा टाइम था आई मीन वर्क फ्रंट पे भी हम दोनों बिल्कुल ऑल टाइम लो आ गए थे अपनी लाइफ में कुछ सो कट टू बहुत लंबा ना करते हुए ठीक है नहीं माने मेरे पेरेंट्स मैंने कहा ठीक है नहीं मान रहे हो ठीक है आई विल ट्राई टू मूव ऑन ये मैंने बोल दिया उनको कि ठीक है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ एंड आई केम बैक टू दिल्ली यहाँ आके मैंने सोचा सब किया एंड आई एम लाइक नहीं यार मैं इस बंदे के बिना नहीं रह सकती इफ दिस हैज़ टू हैपन इफ मैरिज हैज़ टू हैपन इन माई लाइफ हैज़ टू बी विद हिम ओनली या सो हम आई थिंक वी डिड नॉट मीट फॉर 3 मंथ्स क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज इन दिस इम्प्रेशन कि शिल्पा की साइड से एफर्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी और इसको ये लगता था मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ बट मैं ट्राई कर रही थी अब मेरे घर वाले नहीं सुन रहे थे तो मैं क्या करती आई वॉज डूइंग माई एफर्ट बट यार उनकी भी गलती नहीं है अब आई एम ऑल्सो अ पेरेंट नाउ अब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि बट वो मिलने को भी तैयार नहीं थे सो ये था फिर बहुत स्ट्रगल हुई बहुत स्ट्रगल हुई फाइनली जब आप स्ट्रगल ही बताती रहोगे आई वांट टू कंटिन्यू विद द स्टोरी फाइनली क्या हुआ कि जब शिल्पा वापस दिल्ली आ गई और हम दोनों ने मिलना बंद कर दिया बात नहीं होती थी बहुत ज़्यादा तो फाइनली इसके पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि दैट शिल्पा इज़ नॉट हर सेल्फ और वो हमसे भी कम बात करती है तो फाइनली इसके पापा ने इसके भाई को भेजा एंड ही केम एंड हमने प्लान किया कि हम कहाँ मिलते हैं तो वी मेट एट अ प्लेस जहाँ पर उसने मुझसे बात की एंड ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी बहुत अच्छे से बात की सारी चीज़ें पूछी एंड वन थिंग उसने जो बोली लास्ट में कि ठीक है विल कंसिडर इट विल ट्राई टू फिगर आउट अ वे बट अगर हम लोग इस चीज़ को शॉर्ट नहीं कर पाए देन
वॉट नेक्स्ट, विल यू बी एबल टू मूव ऑन बोथ ऑफ यू? तो मैंने कहा सी दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इफ़ यू आर नॉट एबल टू यू नो मेक इट हैपन या वर्कआउट नहीं करेंगे तो मूव ऑन तो नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो, मेरी साइड से तो नहीं हो सकता, आई डोंट नो अबाउट शिल्पा. तो फाइनली उस टाइम भी कुछ वर्कआउट नहीं हुआ और वो घर वापस चला गया. और उसके बाद फिर हम दोनों को रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, रहना तो अब देखो साथ में ही है तो कुछ तो करना पड़ेगा. तो फिर हमने थोड़ी और कन्वेंस करने की कोशिश करी. मैंने कई बार इसके फादर को कॉल किया, बात करने की कोशिश करता था, तो हमेशा वो मेरे को डॉज करते थे कि भाई नहीं हो सकता ऐसे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है हम लोग पढ़े लिखे हैं, समाज है, लेकिन और भी लोग हैं, चार लोग हैं, क्या कहेंगे. सो गाइज धीरे 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 फिर क्या हुआ कि पेरेंट्स को ना दिखता है कि यार हमारा बच्चे का क्या मन है, क्या मूड है. तो फाइनली दे रियलाइज्ड कि यार शिल्पा की शायद हम शादी कहीं और करा देंगे तो अच्छा नहीं होगा, शी विल नॉट बी हैप्पी. तो शिल्पा ने फाइनली, तुमने ये बोल दिया था ना घर पे कि मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी, बोल दिया था. सो फाइनल जो लास्ट इसका वर्डिक्ट आया था मेरे पास, ठीक है इतनी जिद है कर लो हम शादी करा देंगे, बट हम कोई मतलब नहीं रखेंगे साजिद की फैमिली से, वेरी क्लियर, तुमसे बात करेंगे ठीक है, बट साजिद से और उसकी फैमिली से मतलब नहीं रखेंगे. हमने कहा ठीक है चलो करा दो. ठीक है चलो करा दो. तो फाइनली हमको ये मिल गया, गो हेड मिल गया कि ठीक है शादी कर लो. अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि मेरी फैमिली भी रेडी, शिल्पा की फैमिली भी रेडी. अब बात आती है कि भैया शादी कैसे होगी. अब ये एक नया कलेश, नया मुद्दा हो गया तैयार, हमेशा ही रहता, ठीक है. एंड इस वाले कलेश को सुलझने में लगे तकरीबन एक साल, आराम से एक साल लगा इसको करने में, मतलब सॉर्ट आउट होने में. और ये हमने कैसे सॉर्ट आउट किया, क्या था, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरी साइड से कैसे शादी होगी, क्या होगा, कौन आया कौन नहीं आएगा, कभी ये रूट जा रहा था कभी वो रूट जा रहा था. तो गाइज ये एक अलग टॉपिक है एंड दिस विल कवर इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, स्टे ट्यून्ड. Also, if you like the video and if you want to see the next video, comment, like, share and subscribe. Bye. Bye.